जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत बीजी पौधों का जीवन इतिहास, ठीक है ना। आवृत बीजी पौधों को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि आवृत बीजी पौधों में फूल होते हैं और किसी पौधे में फूल नहीं होते, ठीक है ना। जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें किसी में फूल नहीं होते। जो एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधे होते हैं इन्हीं में केवल फ्लावर होते हैं, तो इन्हें फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादप कहते हैं। और इनकी सभी पूरी जो लाइफ साइकिल थी, इनका मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, उसका डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर इसके बाद लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो बीच बीच में टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टर्न पर डिस्कस किए थे इसी चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म के अंतर्गत, तो वो मेन टॉपिक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ था। अब बीच बीच में कुछ मेन टॉपिक, अलग से टॉपिक हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पार्थेनोकार्पी डिस्कस किया था, पॉली एम्ब्रियोनी, अबव भ्रूणता, अनिषेक फलन, तो ये कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। अब जो टॉपिक कुछ अलग से हैं, डिटेल से, उनको अब डिस्कस करते हैं अलग से, ठीक है ना। तो जैसे पॉलिनेशन बताया था कि पॉलिनेशन में क्या होता है कि परागकण या पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर से निकल कर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते, इसी को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है ना। इस एंथर का मतलब मेल फ्लावर और स्टिग्मा का मतलब फीमेल फ्लावर, क्योंकि स्टिग्मा फीमेल फ्लावर में होता है और एंथर मेल फ्लावर में होता है। तो पराग कोष से पराग कणों का निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो परागण या पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन या परागण, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो पॉलिनेशन या परागण की जो प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन या परागण, ठीक है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं परागण। तो परागण या पॉलिनेशन, तो इसकी डिफिनेशन तो समझ में आ गई कि पराग कणों का मेल फ्लावर से निकल करके फीमेल फ्लावर पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा? नंबर एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं परपरागण। तो ये स्वपरागण होता है और ये परपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब जब उसी के पर उसी एक ही फूल है और उसी में मेल फीमेल फ्लावर दोनों है, तो उसी के पराग कोष से, ठीक है ना, पराग कण निकल करके उसी पुष्प के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें देखें, ये एक फ्लावर है जिसमें कि क्या होता है, अब इसमें ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मेल फ्लावर है
और ये फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में ये एंथर है या परागकोष, इसमें परागकोण बनेंगे, और ये फीमेल फ्लावर है जिसमें कि फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जब क्या होगा, इसी फ्लावर के पराग कण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ठीक है ना, इसी के पराग कण निकल कर इसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, मतलब फ्लावर एक ही है, उसी फ्लावर के पराग कण निकल के उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण कहते हैं, ठीक है ना। और परपरागण क्या होता है, परपरागण की प्रक्रिया में एक पुष्प के पराग कण निकल करके दूसरे पुष्प के, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो इसे हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जैसे कि हमने बनाया दूसरा फ्लावर, ठीक है ना, दूसरे फ्लावर में भी ये क्या है, ये मेल फ्लावर है और ये बीच में फीमेल फ्लावर है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, जब इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंच जाते तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और जब ऐसा क्या हो कि इसके परागकण एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो ये क्या क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे कहेंगे परपरागण, हाँ परपरागण, और जो इसी में इसी की पहुंच गए तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। तो इसी में इसे स्वपरागण और इसके इसमें पहुंच गए तो उसे परपरागण कहते हैं। तो मुख्य रूप से परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहली चीज समझ में आ गई, इसमें स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। स्वपरागण में उसी के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, और परपरागण में उसके परागकण दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं, तो ये परपरागण कहलाते हैं। अब स्वपरागण में किसी बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं होती, मोस्टली जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ में होता है। जैसे कि एक फल होता है गूलर, है गूलर या अंजीर, ठीक है ना, गूलर या अंजीर, इसको हम साइंटिफिक नेम में फाइकस बोलते हैं, FICUS। तो फाइकस जो होते हैं, फिग माने अंजीर होती है, तो अंजीर या गूलर में क्या होता है, देखो एकदम गोल सा होता है, और इसके अंदर बाहर से फूल नहीं दिखते गूलर अंजीर में, क्योंकि इसका गूलर या अंजीर का जो फल दिखता है उसके अंदर फ्लावर होते हैं, है? और इसके अंदर क्या होता है, जब छोटे छोटे कीड़े पहुंच जाते हैं तो उन कीड़ों के द्वारा क्या होता है कि मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, ये परागण होता है, ठीक है ना। तो ये परागण की प्रक्रिया होती है, गूलर में भी अंजीर में भी, फल के अंदर ही हो जाती, बाहर इसमें फूल उल नहीं दिखता। अब अगर तोड़ कर देखेंगे गूलर में अंजीर में तो उसमें क्या होगा कि आपको फ्लावर्स दिखेंगे नहीं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो दिख जाएंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से, और कुछ फ्लावर जो होते खिलते नहीं। अब गूलर के अंदर क्या हो गया, उसी पुष्प के उसी पहुंच गए तो स्वपरागण, और दूसरे पुष्प पहुंच गए गूलर के अंदर ही तो उसे परपरागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। कुछ
कुछ फ्लावर जो ऐसे होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो खिलते नहीं, खिलारे नहीं। जब खिलेंगे नहीं तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर उसी के अंदर बंद रहेंगे, तो जब बंद रहेंगे तो क्या होगा, उसी के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, तो उसमें स्वपरागण होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन लिखने को आती है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होती है और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें फ्लावर बाइसेक्चुअल होना चाहिए। बाइसेक्चुअल का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही समय पर डेवलप होने चाहिए, उनका विकास एक ही साथ हो। ऐसा नहीं कोई एक फ्लावर मेल या फीमेल में से एक पहले डेवलप हो जाए दूसरा बाद में डेवलप हो, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ डेवलप होने चाहिए, फ्लावर बाइसेक्चुअल होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी का मतलब मेल फीमेल फ्लावर दोनों एक ही में होने चाहिए, ठीक है ना। और जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं उनकी दोनों की लेंथ, उनकी लंबाई लगभग एक जैसी होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए लगभग, ठीक है ना। ये नहीं कि एक फ्लावर मेल या फीमेल में से एक बहुत लंबा हो दूसरा बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की लंबाई लगभग बराबर होनी चाहिए, लेंथ उनकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, ये फ्लावर यूनिसेक्चुअल होना चाहिए। परपरागण के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्चुअल, एक लिंगी होना चाहिए। नंबर दो, यदि मेल फीमेल फ्लावर दोनों हैं तो दोनों का विकास अलग अलग समय में होना चाहिए, एक डेवलपमेंट पहले हो जाए दूसरे का डेवलपमेंट बाद में हो, एक साथ डेवलप नहीं होने चाहिए। और इसके बाद जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं उन दोनों का जो लेंथ है, लंबाई है, अगर दोनों एक ही में है तो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, एक की लेंथ ज़्यादा हो और दूसरे की कम हो, बहुत कम हो, तब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की ही संभावनाएं बनती, ठीक है ना। तो ये पॉलिनेशन के बारे में लिखने वाले, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, होनी चाहिए, और परपरागण के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं, नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब इसमें जो पॉलिनेशन है वो जो बाहरी माध्यम के द्वारा पॉलिनेट होते हैं परागकण, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो अलग अलग माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं। परपरागण के लिए, स्वपरागण के लिए तो नहीं, परपरागण के लिए बाहरी किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल के द्वारा पहुंचते हैं तो जल परागण, पानी के द्वारा पहुँचते हैं या हवा के द्वारा पढ़ते हैं तो वायु परागण या एयर पॉलिनेशन, जल के द्वारा वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट द्वारा इंसेक्ट पॉलिनेशन, बर्ड्स के द्वारा पहुंचते हैं तो बर्ड पॉलिनेशन। तो ये जिस माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, जैसे भी पहुंचते हैं, तो वही पॉलिनेशन का नाम दे दिया जाता है। एयर के द्वारा पहुंचे तो एयर पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा पहुंचे तो वाटर पॉलिनेशन, ठीक है ना, इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा या किसी भी एनिमल्स के द्वारा पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, मतलब कि मेल से फीमेल में जाते हैं, वो उसी फ्लावर के हों या दूसरे फ्लावर के। तो ये टाइप के फ्लावर परागण होता है और इसके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे जल परागण के बारे में पूछा जाएगा, वायु परागण, तो इनके एग्जाम्पल दे करके अलग अलग समझाना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे कि वायु परागण मक्के में होता है, ये आपको याद रखना है, मक्के में समझाना है, मक्के में वायु परागण होता है, गेहूं में वायु परागण होता है, सेल्विया एक प्लांट का नाम है, सेल्विया, सेल्विया में कीट परागण होता है,
ये मैं वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपके कोर्स में है। वैसे तो बहुत से प्लांट हैं, सब में अलग अलग पॉलिनेशन होता है, लेकिन वो ये मैं प्लांट बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, ये पॉलिनेशन। जैसे गेहूँ और मक्के में एयर पॉलिनेशन होता है, वायु परागण होता है, हैं, सैल्विया में कीट परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। उसके बाद जो वैली सनेरिया है, वैली सनेरिया एक जलीय पौधा है, जल में रहता है, तो इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है, तो वाटर पॉलिनेशन वैली सनेरिया में, सैल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन, गेहूं और मक्के में एयर पॉलिनेशन। तो ये कुछ मेन एग्जांपल हैं जो आपको याद रखनी इनके बारे में, ठीक है ना, पॉलिनेशन। अब इनमें पॉलिनेशन की क्या कंडीशन होती, कैसे होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।